सबसे ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले टॉप 10 राज्य। दोस्तों 2019 में एजेंसियों द्वारा जब्त की गई 3000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन और 4400 किलोग्राम अफीम सुनने में काफी ज्यादा लगती है, लेकिन ये भारत में इस्तेमाल होने वाले नशीले पदार्थों की सप्लाई और कंजम्पशन का मात्र 5 से 8% ही कहा जा सकता है। ड्रग्स एब्यूज की ये समस्या भारत के किसी एक राज्य या कस्बे तक सीमित नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ड्रग्स लेने वालों की संख्या गंभीर कर देने वाली है, और उनके ही बारे में आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय गवाए आइए देखते हैं सबसे ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले टॉप 10 राज्य। नंबर 10, मणिपुर। साल 1973 में मणिपुरी नोबल इम्फाल एमासंग मागी एशिंग नोंगशेत की फिबाम ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। इस नोवेल की एक किरदार प्रियदर्शनी अपने मणिपुर को हमारी पवित्र भूमि कहकर बुलाती थी। हालांकि मणिपुर की संस्कृति की समृद्ध भूमि बीते कुछ सालों से कुछ अन्य कारणों से काफी चर्चा में रहती है, और वो है ड्रग्स। मणिपुर की युवा पीढ़ी जो कभी समाज में बदलाव लाने का जज्बा रखती थी, वही आज ड्रग्स के नशे में पूरी तरह से भटक चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपुर की आधी जनता ड्रग्स से किसी न किसी तौर पर प्रभावित है। मणिपुर सहित नागालैंड में सबसे ज्यादा इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, अनसेफ तरीकों से ड्रग्स लेने और नीडल शेयरिंग जैसे कारणों की वजह से मणिपुर राज्य 1990 में ही देश का एड्स कैपिटल भी बन चुका था। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि हर साल ड्रग्स लेने वालों की संख्या मणिपुर में तेजी से बढ़ती जा रही है, और ये बढ़ता हुआ स्तर केवल मर्दों में ही नहीं बल्कि औरतों की संख्या में भी देखा जा रहा है। समाज को नई मंजिल की ओर ले जाने वाले कदम जब खुद ही भटक जाएं तो राह का मिल पाना मुश्किल हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मणिपुर राज्य के साथ हो रहा है। नंबर 9, दिल्ली। दिल्ली एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक बीते 3 सालों में दिल्ली में हेरोइन और कोकेन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन ड्रग यूजर्स में अधिकतर संख्या कॉलेज स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स की है, जो कि अपने बजट को देखते हुए हेरोइन या कोकेन का शौक रखते हैं। जी हाँ, दामों की बात कर लें तो दिल्ली में जहाँ 200 से 300 रुपए में 1 ग्राम हेरोइन मिल जाती है, वहीं कोकेन के लिए दिल्ली का मासूम युवा पीढ़ी को 15 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे में ड्रग्स का बैन होना उनकी मुसीबतें बढ़ा देती है। तभी तो वीड खाने वाले दिल्ली के नौजवान ये तर्क देते हैं कि इन ड्रग्स से मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और सरकार को वीड लीगलाइज कर देनी चाहिए। शर्मनाक बात यह है दोस्तों कि ऐसी सोच रखने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ युवा ये शायद भूल चुके हैं कि ड्रग्स का सेवन दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है, जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक सकती है। 30 दिसंबर 2017 में एनसीबी ने दिल्ली के टॉप कॉलेजों के छात्रों को 1 किलो चरस के साथ पकड़ा था, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दिल्ली का ड्रग कैपिटल बनना भी शायद दूर नहीं। नंबर 8, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अर्बन एरियाज में हुए एक सर्वे के मुताबिक इस राज्य के करीबन 40% लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, यानी हानिकारक और नशीली चीजों का सेवन। इनके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित लगभग 15 शहर ड्रग्स तस्करी के हॉटस्पॉट्स माने जाते हैं, जो कि राज्य की जनता के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है। विक्रेता और उपभोक्ता का ये खतरनाक मेल मध्य प्रदेश राज्य की मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस समस्या को खत्म करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जैसे ड्रग्स डीलिंग्स और ट्रैफिकिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। साथ ही अंडर एज एडिक्ट्स को काउंसलिंग सुविधा दिलवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले सालों में राज्य की ड्रग्स यूसेज की स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। नंबर 7, पश्चिम बंगाल। बंगाल में सब्सटेंस अब्यूज करने वालों की तादाद काफी ज्यादा है। इसमें अल्कोहल के अलावा अन्य कई नशीले ड्रग्स आते हैं, जिनका सेवन भारी मात्रा में बंगाल की यूथ ने करना शुरू कर दिया है। ड्रग्स का मसला काफी समय से पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को उठाते हुए दार्जिलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोकसभा एमपी बताते हैं, सिलीगुड़ी के पास मौजूद चिकन नेक रास्ते को ड्रग की तस्करी करने वालों द्वारा कई सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके जरिए राज्य में ड्रग्स का लेन देन बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिकन नेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी राज्यों से जोड़ता है, जहां ड्रग के व्यापार के लिए मशहूर गोल्डन ट्रायंगल से आने वाले देशों से ड्रग्स खरीदकर हमारे देश में लगाया जाता है। ड्रग्स ट्रैफिकिंग के आसान रूट और यंग जनरेशन की बढ़ती लत के कारण बंगाल राज्य नशे का अड्डा बनता जा रहा है, जहां कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कसूर सरकार की नजरअंदाजगी और बुरी व्यवस्था का है। नंबर 6, हरियाणा। 2020 में हरियाणा से क्रिमिनल केसेस की रिपोर्ट कम दर्ज हुई थी। शायद ये कोविड महामारी की लहर ही थी जिसने हर शहर के क्राइम रेट को गिरा दिया। हालांकि जहां क्राइम्स आमतौर पर घट गए, वहीं हरियाणा राज्य में महामारी के दौरान नशे का सेवन तेजी से बढ़ गया। पूरे राज्य में कई जगहों से भारी मात्रा में गांजा, चरस और ओपियम बरामद किए गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में हरियाणा राज्य से 225 किलोग्राम ओपियम, 251 किलोग्राम चरस,
और 9018 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। सरकारी डेटा के अनुसार कड़े कानून और महामारी के बावजूद राज्य में सब्सटेंस अब्यूज के केसेस तेजी से बढ़ते नजर आए। नशे का सेवन करने की लत सबसे ज्यादा हरियाणा के उन शहरों में देखी गई है जिनकी सीमा पंजाब से जुड़ी हुई है। इन ट्रेंड्स को देखकर लगता है कि हरियाणा भी पंजाब के रास्ते चलने की ओर निकल पड़ा है। नंबर 5, केरल। दोस्तों आप शायद केरल राज्य का नाम इस लिस्ट में देखकर शॉक्ड होंगे, लेकिन ये सच है कि केरल जैसे प्रोग्रेसिव राज्य भी ड्रग एब्यूसेस में फंस चुके हैं। केरल सरकार यंगस्टर्स के बीच बढ़ते एडिक्शन को देख काफी ज्यादा परेशान है। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड़े केरल के वो तीन बड़े शहर के नाम है जो कि देश के 127 ड्रग हॉटस्पॉट्स में गिने जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है कि इन ड्रग्स का लेन देन सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है। शिक्षा प्रदान करने वाले इन संस्थानों का इस्तेमाल ड्रग डीलर्स द्वारा देश की यूथ को नशे बेचने के लिए किया जाता है। केरल पुलिस ने यह बताया कि 2021 के 31 अक्टूबर तक कुल 223 नए ड्रग केसेस सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए दर्ज थे, और ऐसे स्टूडेंट्स द्वारा किए जाने वाले ड्रग यूसेज की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार ने समस्या को समझते हुए किशोरों का नशीली चीजों से मन भटकाने के लिए कई मॉडर्न तरीके अपनाए हैं, जिनमें कॉलेजों में एंटी नारकोटिक क्लब शुरू करवाना, विमुक्ति जैसे संस्थानों द्वारा ड्रग एडिक्ट्स को काउंसलिंग देना, साथ ही यस टू फुटबॉल नो टू ड्रग्स और यस टू क्रिकेट नो टू ड्रग्स जैसे कई स्लोगन्स का प्रचार करना शामिल है। नंबर 4, बिहार। बिहार में बीते कुछ सालों से शराब बैन है, हालांकि ये बैन ग्राउंड लेवल पर कुछ खासा बदलाव नहीं ला सका है। अभी भी बिहार की अधिकतर जनता नशे का सेवन करती है। पटना में स्थित दिशा डी एडिक्शन सेंटर की सीईओ राखी शर्मा बताती हैं, शराब के बैन होने के बाद से राज्य में ड्रग एडिक्ट्स की संख्या बढ़ गई है। लोग अब नशा करने के लिए नए उपायों जैसे हेरोइन, मारिजुआना और इंजेक्शन का इस्तेमाल करने लगे हैं, और ये उन्हें लंबे समय तक के लिए बीमार बना सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नशा करने वालों में गरीबों से अधिक वेल टू डू फैमिली से आने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हालांकि ड्रग अब्यूज का एक कॉमन ट्रेंड जो बाकी राज्यों में देखने को मिलता है, वो बिहार में थोड़ा अलग है। आमतौर पर यंगस्टर्स और स्टूडेंट्स द्वारा ड्रग यूसेज सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन बिहार में 35 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले ड्रग एडिक्ट्स की संख्या टीनेजर से 3 गुना ज्यादा है। ये दर्शाता है कि बिहार में ड्रग एब्यूज की मेन वजह बढ़ती उम्र के साथ होता मानसिक तनाव है। इस पर राखी शर्मा कहती हैं कि एडिक्शन को दूर करने के लिए लोगों के बीच मौजूद डिप्रेशन की वजह को खत्म करना जरूरी है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन हो पाना अभी तो काफी मुश्किल लगता है। नंबर 3, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उन चुनिंदा राज्यों में से है जिनका नाम पिछले कुछ सालों से ड्रग्स से जुड़े केसेस के लिए काफी हाईलाइटेड रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के लिए ये कोई नई बात नहीं है, हर साल राज्य में ड्रग एब्यूज के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और इनमें से 80% से ज्यादा मामले अकेले मुंबई में दर्ज किए जाते हैं। आए दिन न्यूज में कोई ना कोई मसला बैंड सब्सटेंस के कंजम्पशन से जुड़ा दिखाई देता है, जिसमें अधिकतर मामले मुंबई के ही होते हैं। ये बात खुद CMO भी मानते हैं कि बीते सालों में मुंबई की जनता के बीच नशे का इस्तेमाल बढ़ा है। हालांकि इसे खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने कुछ नीतियां तैयार की हैं, जिसमें 13.7 करोड़ रुपए के बजट का सेंटर स्पॉन्सर्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन शामिल है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश। एक पैन इंडिया सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इनहेलेंट्स का नशा करने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, यूपी के करीबन 1,000,000 लोग अफीम से मिलते जुलते ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं। आंकड़े ये भी बताते हैं कि यूपी में इंजेक्टेड ड्रग्स लेने वालों की तादाद पूरे देश में सबसे ज्यादा है। यूपी की यंग जनरेशन का नशे की ओर तेजी से बढ़ता झुकाव उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही दूसरा पंजाब बना सकता है। हालांकि नशे की चपेट में आते बच्चों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने यूपी के 50 स्कूल और कॉलेजों से एंटी नारकोटिक्स कैंपेन चलाने के लिए योगदान मांगा है, साथ ही अंडर एज बच्चों के लिए डी एडिक्शन सेंटर्स खोलने का फैसला किया है। सरकार को यह भरोसा है कि बच्चों में जागरूकता लाकर वो आने वाले सालों में इन आंकड़ों को बदल सकते हैं। नंबर 1, पंजाब। ड्रग्स की समस्या हमेशा से ही पंजाब राज्य का मुख्य समस्या रही है। शराब, तंबाकू, अफीम और गांजा जैसे कई प्रकार के ड्रग्स वहां के कई युवाओं के लिए एक आम बात है। बीते वर्ष करीब 12,000 ड्रग केसेस पंजाब में अकेले दर्ज हुए हैं, जो कि देश में दर्ज की गई कुल केसेस का लगभग 20% है। ड्रग्स की समस्या पंजाब में कितनी बड़ी है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2017 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में राजनीतिक पार्टियों के लिए ड्रग्स एक अहम मुद्दे की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद ड्रग्स गिरोह को पकड़ने के लिए सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित किया, लेकिन अब तक कोई खास कामयाबी हाथ नहीं लग पाई। आज भी कई युवा किसी प्रकार की मस्ती के लिए या पीयर प्रेशर में आकर ड्रग्स के शिकार होते जा रहे हैं। नतीजा, पंजाब के नौजवानों एवं सरकार के लिए ड्रग्स एक सबसे भयानक समस्या बन चुकी है।
इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।